आईपीएल 2020 के शुरुआती मैचों में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली का बल्ला कुछ मैचों में खामोश रहा था। इस दौरान रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जब किंग्स इलेवन पंजाब से भिड़े तो उस वक्त कमेंट्री कर रहे दिग्गज सुनील गावस्कर ने विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा को लेकर एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, लॉकडाउन था तो सिर्फ अनुष्का की बॉलिंग की प्रैक्टिस की है विराट ने, वीडियो देखी है मैंने, लेकिन उससे तो कुछ नहीं होना है। इस टिप्पणी को लेकर बाद में काफी बवाल हो गया था, यहां तक कि अनुष्का शर्मा ने सोशल मीडिया पर गावस्कर को खूब खरी खोटी सुनाई थी। अब इस मामले में भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच रवि शास्त्री ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक रिपोर्ट के अनुसार हेड कोच रवि शास्त्री ने कहा कि अगर अनुष्का शर्मा को कुछ महसूस हुआ है तो उन्हें वो जताने का अधिकार है, फिर चाहे सुनील गावस्कर की टिप्पणी पर सहमति हो या फिर नहीं, मैं ऐसी टिप्पणी कभी नहीं करता। सुनील गावस्कर की टिप्पणी को लेकर जब अनुष्का शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट किया तो उसके बाद गावस्कर ने कहा था कि मैंने कोई भी सेक्सिस्ट कमेंट नहीं किया, मैंने कहा था कि विराट कोहली को लॉकडाउन में प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला, हम सभी ने देखा था कैसे टेरेस पर विराट कोहली अनुष्का शर्मा की गेंदों पर प्रैक्टिस कर रहे थे, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि विराट को सिर्फ अनुष्का की गेंद पर प्रैक्टिस करने का मौका मिला है। बता दें कि इस सीजन में अभी तक विराट कोहली ने 13 मैचों में कुल 431 रन बनाए हैं। लीग स्टेजेस का आखिरी मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलना है। ये मुकाबला तय करेगा कि कौन सी टीम प्लेऑफ में जगह बनाएगी और कौन सी नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही देश दुनिया और आईपीएल से जुड़ी पल पल की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। न्यूज और क्रिकेट का एक्सक्लूसिव डोज हर रोज, अभी सब्सक्राइब करिए TV9 भारतवर्ष का यूट्यूब चैनल। लॉग ऑन करें IPL2020.tv9bharatwarsh.com पर, जवाब दीजिए आसान से सवालों का और जीतिए ढेर सारे इनाम हर रोज। पैनासोनिक इंडिया खास बासमती राइस और पी सेफ के गिफ्ट हैम्पर्स।